भारतीय रेल में उपयोग में आने वाली सिग्नलिंग केबल किसी वजह से कटने की स्थिति में उसको किस प्रकार से हम ज्वाइन करेंगे ताकि फेलियर सही समय पर ठीक किया जा सके, उसके लिए हमें उसे उसके कट सेक्शन कंडक्टर की स्थिति के विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसमें सभी कंडक्टर्स की 1.5 स्क्वायर एमएम के होते हैं और ये उपलब्ध केबल 24 कोर की है जो कटी अवस्था में इस प्रकार से कंडक्टर्स उसमें दिखाई देंगे। इसमें तीन लेयर्स होती हैं, बाहरी लेयर्स में 14 कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर वाली लेयर में 8 कंडक्टर्स होते हैं और सबसे अंदर वाली में केवल 2 कंडक्टर्स होते हैं। बाहर वाली लेयर्स को नीले से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम टर्मिनेट करते हुए येलो पे ख़त्म करेंगे। फिर उसके अंदर वाली लेयर में भी ब्लू से स्टार्ट करके उसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन से टर्मिनेट करते हुए येलो पे समाप्त करेंगे। अंदर वाली लेयर में केवल 2 कंडक्टर्स बचते हैं, लाल तथा काला। इसमें लाल को पहले मानते हुए काले को लास्ट में रखेंगे और इस प्रकार उसके सामने वाले कटे हुए टुकड़े को भी इसी प्रकार से काउंटिंग करके मैचिंग करते हुए दोनों केबल को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद केबल ज्वाइंट के माध्यम से इस केबल को पूरी तरह ज्वाइंट करके फेलियर को पूरी तरह से ठीक कर देंगे।